हेलो फ्रेंड्स, यह है मेरा विंडो गार्डन चैनल। आज मैं आपको स्नेक प्लांट के बारे में बताऊंगी, जिसकी साइंटिफिक नेम है सेंसिवेरिया ट्राइफसियाटा, और ये एस्परगस फैमिली में बिलोंग करता है। ये कॉमनली इसकी जो नेम है, इसके जो सब कहते हैं स्नेक प्लांट और मादर इन लॉस टंग। स्नेक प्लांट इसलिए कहते हैं, देखिए इसकी जो लीफ की जो वेरिएशन है, स्नेक की तरह इसके शेड है इसकी पत्तों में, इसलिए इसकी नाम स्नेक प्लांट रखा है। और इसकी जो पत्तों की जो स्ट्रक्चर है, ऐसे ऊपर नोखिला नोखिला की तरह और ऐसे बेंड हो जाता है ऐसे, इसलिए इसकी स्नेक प्लांट के नाम है। ये देखिए मेरे पास दो स्नेक प्लांट है और सेंसिवेरिया प्लांट है। पहले मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरा 1 साल पुराना प्लांट है, लेकिन मैंने जो ग्रोथ देखा है इस प्लांट की, इस फेब्रुअरी में, जो स्प्रिंग के टाइम में, फेब्रुअरी के एंड से मार्च में, इसकी चारों तरफ से इसकी देखिए छोटे छोटे प्लांट, इसकी बहुत सारे प्लांट इसकी निकल आए हैं, और ये बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। मैं और ये सेंसिवेरिया प्लांट जो है, इसकी बहुत सारे स्पीशीज है, मेरे पास ये दो ही है। देखिए इसके भी चारों तरफ से बहुत सारे, देखिए ये पर है एक, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी है ये, और इस तरफ भी, देखिए इस तरफ भी, इसकी चारों तरफ से इसकी बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। फरवरी के एंड से ही इसकी पत्तों में इसकी ग्रोथ आ गई है। तो इस प्लांट के बारे में जो मुझे बताना है, मैं इसके बारे में आज बताता हूँ, क्योंकि ये एक बेस्ट इंडोर प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट। आप इसे 1 महीने तक पानी भी नहीं देंगे तो भी इसकी कुछ भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आपको इसे इंडोर और सेमी शेड में ही रखना है, इनडायरेक्ट जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आता हो वहाँ पर। मेरे ये दो पत्ते थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इसलिए क्योंकि मैं विंडो में इसकी मैंने रखा था, जहाँ पर सुबह की बहुत तेज़ धूप आता है 11 तक, तो इसलिए इसकी थोड़ा पत्ते ये हो गया। और ये जेहेतु देखिए, ये पत्ते के नीचे ये सब निकले हैं, इसलिए इसकी कलर कितने अच्छे से है, और इसके भी। तो आपको इस प्लांट के लिए एकदम वेल ड्रेनेज सॉइल चाहिए, जहाँ से इसकी पानी मिट्टी में ना ठहर सके, और टेराकोटा पॉट में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि इसको एकदम ही पानी कम चाहिए। और आप इसे इंडोर रखिए। हर प्लांट रात को ऑक्सीजन नहीं देता, लेकिन इस प्लांट को एयर प्यूरिफाई कहते हैं, क्योंकि ये रात में ऑक्सीजन देता है। नासा ने इसे रिकमेंड किया है बेस्ट एयर प्यूरिफाई के लिए। और इसकी प्रोपोगेशन आप लीव्स के कटिंग्स के भी कर सकते हैं, और ऐसे पप्स निकलते हैं, तो इसको आप निकल के इसकी आप ये अलग करके आप इसकी अच्छे से इसकी रूट देखिए। तो मैंने अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाने से इसकी थोड़ा और भी रूट्स निकलेंगे, इसके बाद मैं इसकी अच्छे से इसको अलग कर दूंगी। अब ये ऐसे ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसे नहीं अभी अलग किया। इस प्लांट की जो बारे में और भी एक बात कहना है, क्योंकि आपको कभी कभी इंडोर रखने से आप इसमें जो डस्ट होगा, तो आप कोई वेट क्लोथ से बा कोई वेट टिश्यू पेपर से आप इसकी पत्ते को साफ कर दीजिए, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसकी ग्लॉसी लीव्स देखने में, और इसकी जो ये नोखिला इसकी जो है, यही बहुत इसकी प्लांट पत्तों में जो एक शेड है, देखिए ये एक क्वालिटी का है, एक
ये डार्क येलो की इसकी जो बॉर्डर लाइन है ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, आपको देख रहे हैं। और इसमें आपको स्नेक की तरह इसकी दोनों ही ये सेंसिवेरिया प्लांट की ये वैरायटी है, ये भी सेंसिवेरिया कहते हैं इसे भी। तो ये इसकी शेडेड के लिए इसकी स्नेक प्लांट कहते हैं, और ये भी स्नेक सेंसिवेरिया की इसकी वैरायटी है। मैंने ऐसे इसे ऐसे पॉट में एक को रखा है, यह है सेरामिक का पॉट, और इसे मैं रखा है टेराकोटा पॉट में, जहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसमें ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगता और ज़्यादा केयर भी नहीं करना होगा आपको इस प्लांट को, बट आपको पानी इसे बहुत ही कम देना है। कम देना है मतलब एकदम सॉइल टच टू ड्राई, बहुत ही ड्राई अब हो जाए, फिर भी आप 2 दिन पानी नहीं देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, फिर आप इसे अच्छे से पानी दे दीजिए, और 7 दिन तक पानी नहीं देने से भी कुछ नहीं होता। और इस स्प्रिंग टाइम में इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, चारों तरफ से इसकी छोटे छोटे इसकी निकले थे, तो मैंने सोचा ये जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा देखने में अच्छा लगेगा तब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो कितने अच्छे से इसकी लुक हो रही है देखिए। ये प्लांट आपको इंडोर रखेंगे विंडो के सामने, जहाँ से इसकी ब्राइट लाइट आता हो तो ही इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडोर रखिए, शेड के नीचे रखिए, और ये डेकोरेटिव के लिए भी बहुत अच्छा है, आप घर में बाथरूम के सामने और जहाँ पर थोड़ा लाइट आता हो और इसे रख दीजिए। ऐसे बहुत सारे प्लांट जब आपको दिखाई देगा तो फ्रेंड्स ऐसे आप कीजिए इसे। और इसके जो फर्टिलाइजर है मैंने एनपीके ही देता हूँ, इसमें 1 चम्मच एनपीके पानी में घोल के दे देता हूँ, और पत्ते को डस्ट के लिए हफ्ते में 12-15 दिन में एक बार मैं इसे पानी के स्प्रे करके इसकी पत्ते धो देता हूँ, और कोई गीला कपड़ा से भी इसकी पोंछ देता हूँ। तो आप भी ऐसे कीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे सेंसिवेरिया को लाइए और ऐसे इसकी लुक्स आप देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।